ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति और शांत मन से सभी को सुनना है ध्यान से। एक घड़ी आधी घड़ी, ये घड़ियाँ बहुत बहुमूल्य हैं, कहीं हाथ से ना निकल जाए। हर चीज़ को सफल करना सुना होगा, समय को भी सफल करो। कितना सफल करते हैं और कितना हमारा निसफल समय जाता है उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। हर चीज़ का महत्व तो है, अगर समय का महत्व तो समझते हैं तो समय पर समय हमारा साथ दे देता है। और अगर हमने समय का महत्व तो नहीं समझा तो समय हमारा साथ नहीं देता है। ऐसा हम बोलते भी हैं, मानते भी हैं और समझते भी हैं। तो जो भी है हम सुने और उसको आत्मसात करते जाएं, हम सभी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। छोटा बच्चा भी है, वो भी किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता है। हर एक को फ्रीडम पसंद है, है पसंद? कोई बंधन नहीं चाहिए, फ्री, आज़ाद, स्वतंत्र। ससुराल में भी जाएंगे तो कहेंगे हमें बंधन नहीं पसंद है, हमें सास का, जेठानी देवरानी का बंधन नहीं चाहिए, मैं अलग रहना पसंद करती हूँ। इसकी तो समझ है, लेकिन आत्मा अभी कितने बंधनों में बंधी हुई है इसकी नॉलेज नहीं है। इसकी नॉलेज मिलेगी, ताकि शरीर तो बंधन से मुक्त होना चाह रहा है और बड़ा आनंद का, बड़ा शांति का, बड़ा खुशी का अनुभव करता है, और वो अनुभव होता है क्षणिक। लेकिन फिर कोई ना कोई प्रकार का बंधन आ जाता है और फिर हमारी जो आनंद खुशी है वो फिर गायब हो जाती है। आत्मा कितने बंधन में बंधी हुई है इसकी अभी हमको समझ ही नहीं है। वो स्थूल रूप में हमें बंधन नहीं पसंद है, हम निर्बंधन होना चाहते हैं, लेकिन अभी कितने बंधनों में बंधी हुई है। एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं तो थोड़ा और हमारे मन पर अच्छा असर हो। तो एक राजा था और वो एक बार जंगल में जा रहा था, जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गया और बहुत आगे निकल गया। आगे निकल गया तो उस अंधकार में एक बहुत सुंदर महल राजा को दिखाई दिया। कहा इतने अंधेरे में इतना सुंदर महल। उस महल के अंदर गया तो उस महल के अंदर में एक परी उसको दिखाई दी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। उसको एक तो महल देखकर ही मन आकर्षित हो गया, फिर परी को देखा तो फिर कहने में क्या। उसका मन बन गया एक दिन मैं यहाँ रह लेता हूँ। वो अपना राजा का कॉन्शियस भूल गया, अपना महल सब कुछ भूल गया, और उसके अंदर ये हुआ मन में, एक दिन इस महल में रह लेते हैं। और एक दिन रहा, जब वो महल में रहा तो उस परी से उसका आकर्षण बढ़ गया, और परी भी ऐसी कि एक रात में वो एक धागा उसके हाथ में कलाई में बांध देती थी। राजा को और आकर्षण बढ़ा, जब और आकर्षण बढ़ा तो वो दो दिन तीन दिन ऐसे ऐसे करते करते महीना हो गया, रोज़ एक धागा बांध देती थी।
राजा को लगा होश में आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा राजा और यहाँ आकर ठहरा हुआ हूँ इस महल में, इस परी के आकर्षण में, मुझे इस बंधन से निकलना चाहिए। बहुत अंदर से उसने अपने आप में हिम्मत जुटाई और उस आकर्षण से वो जैसे ही निकलना चाहा तो उसके कई सारे धागे क्या थे, बंधे हुए थे, और उस धागे बंधे हुए से वो निकल नहीं पा रहा था। वो धागा बार बार उसको अपनी तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था, और वो निकल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की पर उसका निकलना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो इस कहानी से हमें क्या समझ मिलती है, क्या लेनी चाहिए कि आज हम सभी इस भौतिक सुख साधनों की आकर्षण में, इस चकाचौंध में, इस मायावी शक्तियों ने हमें अपनी तरफ क्या किया हुआ है, आकर्षित किया हुआ है। इन पांच विकार सभी जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांच विकारों ने और इन भौतिक सुख साधनों ने हमें इतना अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है कि समय के अनुसार हमारे अंदर चेतना भी जाग रही है कि इन सबको छोड़ें और थोड़ा प्रभु की शरण में आ जाए। ऐसा हम सब बोलते भी हैं कि थोड़े समय के लिए इन सबको छोड़ें, इन बंधनों से अपने को मुक्त करें, आज़ाद करें और प्रभु के पास थोड़ा सा प्रभु भजन करें, सत्संग करें। तो शायद मैं इन जकड़ी हुई रस्सियों से अपने को हम आज़ाद कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कि हम इन सब चीज़ों से अपने को स्वतंत्र नहीं करेंगे तब तक सच्ची मन की शांति, मन का चैन, मन की खुशी, आनंद जो प्राप्त होना चाहिए वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है।